Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and I hope that you all are doing well. I'm doing well too. So if you're new to my YouTube channel, hi, my name is Kiran Negi and basically I film videos regarding my university, my hostel as well as my homeland Kinnaur. So आज दो महीने के बाद मैं एक नई वीडियो फिल्म कर रही हूँ एंड जो मेरी लास्ट वीडियो थी वो थी मेरी कज़न की वेडिंग के ऊपर. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है देन गो एंड चेक आउट एंड वॉच दैट वीडियो. अपार्ट फ्रॉम दिस आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है मेरे ऊपर. मैं आपको मेरे बारे में बताऊँगी साथ ही साथ जिस एरिया में जहाँ पर मैं वर्क करती हूँ वो एरिया में मैं आपको दिखाऊँगी क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम आप क्या परस्यू कर रही हैं, कौन सा कोर्स परस्यू कर रही हैं. सो मैं बता देती हूँ आपको दैट करेंटली आई एम लिविंग इन शिमला एंड फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी आई एम परस्यूइंग माय पीएचडी एंड इन विच डिपार्टमेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हैविंग द कन्फ्यूजन अबाउट माई डिपार्टमेंट. सो इन केमिस्ट्री आई एम परस्यूइंग माई पीएचडी एंड ऑल्सो आज की जो इस वीडियो में मैं आपको मेरा डिपार्टमेंट भी दिखाऊंगी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है वो किस प्रकार से है और किस प्रकार यहाँ की लैब्स है. स्पेशली मैं अपने लैब में ही फोकस करूँगी क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर लैब्स है वो क्लोज्ड हैं एंड जिस किसी को भी केमिस्ट्री डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी कि वो सारी जो क्वेरीज हैं आपकी उसे मैं रिजॉल्व कर सकूँ. तो चलिए मैं अब आपको मेरे लैब की ओर ले चलती हूँ एंड दिखाती हूँ कि किस प्रकार से हम काम करते हैं वहाँ पे. सो दिस इज माई रिसर्च लैब जहाँ पर मैं अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करती हूँ. एंड दिस इज द टेबल जहाँ पर हम अपने सैंपल्स प्रिपेयर करते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस समय मैंने टेस्ट ट्यूब स्टैंड में टेस्ट ट्यूब्स रखे हैं बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग अ सैम्पल फॉर द DSA. और जो DSA इंस्ट्रूमेंट है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि वो किस प्रकार से काम करता है. ये ओवन है, इसमें हम अपने एप्टेटस को रखते हैं आफ्टर रिंस करके ताकि हमारे एप्टेटस ड्राई हो जाएं, ताकि जब हम अगली बार सैंपल प्रिपेयर कर रहे हों तो हमें एप्टेटस ड्राई मिले. और ये है डिस्टिलेशन प्लांट. बेसिकली जो रिसर्च में पानी यूज़ होता है वो डिस्टिल या फिर डबल डिस्टिल वाटर ही यूज़ होता है. एंड दीज आर द अलमीराज जहाँ पर हमारी ज़रूरत के सभी केमिकल्स अवेलेबल होते हैं. यहाँ पे हमने सारे केमिकल्स को शेल्फ के अकॉर्डिंग सेग्रीगेट करके रखा हुआ है और ऐसा करने से केमिकल्स को ढूंढना थोड़ा सा ईजी हो जाता है. और ये है डिजिटल वेइंग बैलेंस जिस पर हम अपने केमिकल्स को वे करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव एन इंस्ट्रूमेंटल लैब जहाँ पर काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं. सो ये हमारे डिपार्टमेंट का इंस्ट्रूमेंटल लैब है जहाँ पर मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं. करेंटली जिस एरिया में मैं बैठी हूँ ये मेरा इंस्ट्रूमेंटल लैब है और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मेरा काम चल रहा है. सो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये DSA है, तो DSA पे मेरा थोड़ा सा काम चल रहा है. तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ कि मैं क्या काम कर रही हूँ. ये है DSA जिसकी फुल फॉर्म होती है डेंसिटी साउंड एनालाइजर. बेसिकली इसमें हमें डेंसिटी और वेलोसिटी ऑफ साउंड की वैल्यूज़ का पता चलता है. जब हम इसे ऑन करते हैं तो हमें इस पे टेम्परेचर को सेट करना होता है. तो ये जो टेम्परेचर मैंने यहाँ इस पे सेट किया है वो मैंने किया है 20-40 डिग्री सेल्सियस तक. जैसा कि आपने पहले देखा था कि मैं सैंपल्स प्रिपेयर कर रही थी टेस्ट ट्यूब्स में, तो उन टेस्ट ट्यूब्स में मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंसनट्रेशन के सैम्पल्स को प्रिपेयर किया था और इस सिरिंज की मदद से मैं सैम्पल्स को इंस्ट्रूमेंट के अंदर पम्प इन करूँगी. हमें सिरिंज को तब तक नहीं निकालना है जब तक हमारी पूरी रीडिंग्स नहीं आ जाती, यानी कि जो हमने टेम्परेचर सेट किया था वो 20-40 डिग्री तक पूरा हो नहीं जाता तब तक हम सिरिंज को बाहर नहीं निकालेंगे. और जो हमने सैंपल पंपिंग किया था उसको हम इस कैपिलरी में देख सकते हैं. और ये भी ध्यान देना होता है कि जो हम सैंपल सिरिंज के थ्रू लगा रहे हैं वो बबल ना क्रिएट करें.
ये इंस्ट्रूमेंट है साइक्लिक वोल्टामेट्री, जिसे हम सीवी भी कहते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज फ्लोरोसेंट स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, और इसमें जो हम सैंपल इंस्टॉल करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ अ क्यूबिट, और क्यूबिट को हम इस ये जो होल सा बना हुआ है वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट इज यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, एंड इसमें भी जो हम सैंपल इंस्टॉल करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ अ क्यूबिट्स करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के अलावा जो 50-60% काम होता है वो लैपटॉप वर्क होता है। जो भी हमें रीडिंग्स उन इंस्ट्रूमेंट से मिलती है उसे हमें विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट एज वेल एज ओरिजिन सॉफ्टवेयर, उससे हम अपनी टेबल्स और ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। अगर रिसर्च को मुझे कुछ कम शब्दों में समझाना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओनली स्टिक टू योर बुक्स। फॉर मी इट इज़ अ ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ योर्स, बिकॉज इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रिसर्च में आपके राइटिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करना है, किस तरह से पेशेंटली आपको बात करनी है, बिकॉज इट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एंड यू हैव टू बी अ लिटिल बिट ऑफ अ पेशेंट विथ योर सेल्फ। अपार्ट फ्रॉम दिस, रिसर्च में एक एग्ज़ाम होता है जिसे हम कोर्स वर्क कहते हैं, और ये जो एग्ज़ाम है ये विद इन 1 ईयर हो जाता है आफ्टर द जॉइनिंग रिसर्च। इसके अलावा रिसर्च में आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होता। सेकंड, जो रिसर्च में आपको कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी पड़ती है वेयर यू हैव टू रिप्रेजेंट योर वर्क इन द फॉर्म ऑफ ओरल एंड पोस्टर प्रेजेंटेशंस। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसर्च इज़ टू पब्लिश योर रिसर्च पेपर्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू पब्लिश एट लीस्ट 4-5 रिसर्च पेपर्स इन योर PhD। इसके अलावा आप साल भर में जो भी काम करते हैं उसे इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट सबमिट करवानी पड़ती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं RDC। एंड RDC कहीं कहीं पर ये साल भर में होती है, कहीं पर ये सेमेस्टर वाइज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो RDC है वो साल की होती है, तो साल भर में हमें जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवानी पड़ती है। इसके अलावा जो अनदर चीज़ है वो है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस इज़ अ प्लान फॉर योर रिसर्च वर्क। सो बेसिकली सिनॉप्सिस में आपकी जो भी प्लानिंग है वो इंक्लूड होती है कि आपने क्या करना है और आप इन फ्यूचर क्या करोगे। सिनॉप्सिस में आपका जो फाइनल टॉपिक है वो डिसाइड होता है, जो भी आपका जो थीसिस का टॉपिक होगा वो डिसाइड होगा। इसके अलावा साथ ही साथ जो RDC और सिनॉप्सिस में आपको प्रेजेंटेशन भी देनी पड़ती है। इसके अलावा एट द एंड आता है आपका PhD की थीसिस और PhD का फाइनल वाइवा, और जो PhD का फाइनल वाइवा होता है उसको लेने के लिए बाहर से कोई एक्सटर्नल्स आते हैं किसी और यूनिवर्सिटी से। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो रिसर्च में वर्किंग आवर्स है वो फिक्स नहीं होती। समटाइम्स ये जल्दी भी ख़त्म हो जाता है और कभी कभार हमें देर रात भी हो जाती है। तो ये था सारा रिसर्च के बारे में कि हम किस प्रकार से रिसर्च करते हैं और रिसर्च में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा अगर आप सभी के मन में रिसर्च से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप सभी की क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकूं। इसी के साथ मैं आप सभी से लेती हूं विदा, और मैं जल्द ही मिलूंगी मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।